हेलो डॉन वेलकम टू अनवे गार्डन गर्स आज मैं आपको अपना जो कलेक्शन है जो नया प्लांट्स हमने बाई करके कल लाया है कल मैं मार्केट गया था नर्सरी बोले तो नर्सरी से बहुतों तो कलेक्शन लाए हैं तो अपना जो शॉपिंग क्या हमने किया क्या प्लांट्स नया लाए सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं एक नर्सरी चलाता हूँ तो हमारा होल रेट है होल चीज़ें तो प्राइसेस रिवेल नहीं हो सकता बट प्राइसेस का आइडिया आप लगा सकते हो क्योंकि पुणे की प्राइस बहुत कम होती है ओके तो ये सब मैं आपको ये भी बता चल रहा अगर आपका होलसेल नर्सरी है किसी दूसरे स्टेट में अगर आप पुणे से मान लेते तो ये बताता चलूँगा कि किसका टूर आने वाला है तो गुलाब का नर्सरी टूर आएगा और ये जितना कली भरा हुआ है वैसा गुलाब का नर्सरी टूर एक बहुत ही अच्छा सा नर्सरी मिला जहाँ बहुत ज़्यादा गुलाब है अभी मतलब तो वहाँ ही तैयार किया जाता है तो उस नर्सरी को मैं घूमूँगा उसके बाद हिस्सकस मैंने कैजुअली वहीं ले लिया उसी के नियर वाइज में था आप जानते हो अभी इसका गणपति का टाइम शुरू होने ही वाला है महाराष्ट्र में तो पुणे में रहता हूँ तो वहाँ आपको ज़्यादातर हमें अभी क्या है जासमंद का डिमांड रहता है तो हमने हिविसकस कुछ ज़्यादा लाया रेड कलर का हिवसकस गणपति को बहुत चढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा बहुत डिमांडिंग ये अभी बड़ा ही खूबसूरत सा हमको मिला इधर कुछ देसी इसको बोलते हैं देसी छोटे छोटे फूल होते हैं लेकिन इसको है ना ज़्यादा फूल आते हैं मैं मेरे नर्सरी में एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया थोड़ा दिख लो उसको भी बड़ा ही खूबसूरत देखो कितना खूबसूरत ये सारा उसी ने किया था और छोटी सी ये चिड़िया होती है ना उसने बनाया और उसने बच्चे दिए हैं अभी आ, कितना है चार पाँच बच्चे हैं अभी उनको पंख नहीं हुआ है तो ए में रहते हैं इतना वाटर प्रूफ बना के रखा है कि पानी भी इसमें अंदर नहीं जाता है इतना अपने आप को कोई भी माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से के टेक केयर करती है तो चिड़िया भी और ज़्यादा करती है ओके तो हमने भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है इसको मैंने एजिटी छोड़ दिया है इसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करता हूँ ना करने देता हूँ उसके बाद ये हमारा बालसम है ये सब जितना भी प्लांट आपको सीजनल शुरू हो चुका है क्योंकि बारिश कम हो गई है सदाफुली भी मार्केट में आ चुका है ये सारा प्लांट्स आपको बेस्ट अगर क्वालिटी में देखो तो बालाजी में मिल जाएगा और आपको प्राइसेस में देखो तो छोटी नर्सरी में मिल जाएंगे कहीं भी ये हमारा देंथस है कुछ बालसम है कुछ सदा फुली है तीन टाइप के प्लांट्स हमने लिया बिगोनिया इस बार नहीं लाया क्योंकि बिगोनिया थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है जल्दी मरने वाला होता है कॉनिसन जिसको आप देंथर्स बोलते हैं इसमें कलर की फरमाइश होती है और फ्लावर का पैटर्न भी अलग हो जाता है तो काफ़ी फेमस है सदा फुली तो मैं बोलूँ कि अभी ठीक नहीं है टाइम उसका क्योंकि वो अब भी नया लगाने लायक नहीं है हाँ अभी ये गेंदा का फ्लावर बहुत ज़्यादा चलेगा क्योंकि पूजा पाठ का टाइम आ रहा है पूरा जो फेस्टिवल का ही टाइम है तो इसमें गेंदा का प्लांट एक लगा लो तो बेटर है नेक्स्ट हमारा कलंजू का आता है पहले मैं सारा आपको फ्लावर वाला ही दिखा देता हूँ कलंजू हमने लाया कलंजू रेड कलर का ये हमने लाया कृपा नर्सरी से बहुत अच्छी क्वालिटी में हमको मिला और ये पूरा बर्ड्स भरे पड़े हैं इतना इतना कली ज़्यादा बड़ा पड़ता है कृपा में उसके बाद ये बालसम भी अभी शुरू फिर से हो चुका है बालसम तो ऐसा परमानेंट आपको मिलता है साल ओवर लेकिन आ, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो क्वालिटी अच्छा आपको मिलता है कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है तो अभी तो क्वालिटी हमको अच्छा मिला इसमें कुछ कलर्स है लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वही कलर लाया था ज़्यादा बारिश हो तो ये प्लांट्स ख़राब होने लगता है ज़्यादा गर्मी पड़े तो भी उसके बाद ये इसको हम लॉलीपॉप प्लांट बोलते हैं या कुछ और भी नाम से बोला इसका नाम ही उल्लंग उल्लंग है इसलिए मैं याद नहीं रखता हाँ ये अबोली है अबोली और लॉलीपॉप मैं दोनों सिमिलर एक दूसरे में होते हैं थोड़े दोनों को एक जैसा ही कुछ गेहूं के बाल जैसा निकलता है और ये फूल खिलते हैं तो आप बोल सकते हो अगर डिफरेंट फ्लावर का डिमांड है तो उसके बाद हमारा अरलिया का आता है अरलिया ये बहुत अच्छा प्लांट मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको प्लांट्स बढ़ा हुआ नहीं चाहिए मतलब छोटे एकदम चाहिए और छोटे ही रहे तो इस प्लांट को पहले प्रायोरिटी दे दो क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है नेक्स्ट हमारा आता है डाइफन वैकिया ये हमने लाया बड़ा सा डाइफोन मोटे पत्ते वाले इसकी हाइट भी कम से कम ढाई फुट तक है और देखने में भी शानदार है बहुत ब्रॉड लिप्स है इसको जितना देख रहे हो वैसे कैमरे में उससे कहीं अच्छा है देखने में ये सामने से एरिका पाम भी हमने लाया इसका भी टूर में डालूंगा किधर से लाया और ये आपको छोटे हाइट का है दो फुट के करीब है ये गार्डन सॉइल में ही लगा के रखा है इसको कोई भी सॉइल मिक्सचर नहीं है मैं अगला टूट लाऊंगा उसमें एक सॉइल मिक्सचर को भी कवरअप करने वाले है गुलाब का जो सॉइल मिक्सचर होता है वो भी और कुछ भी ऐसा ऐसा मैं सब वीडियो में सॉइल मिक्सचर को कवर करता हूँ ये मनी प्लांट इतना फ्रेश है लेकिन फिर भी केवल और केवल मिट्टी में लगाया है बस कुछ केमिकल का सहायता लेके इस मनी प्लांट को इतना बुसी बनाया गया है लेकिन गोबर इसने मिलाया है ये बात है काफ़ी अच्छा है और भूसी भी है और प्लस में फ्रेशनेस भी इसका देख सकते हो नेक्स्ट हमारा एक आता है मधु कामनी ये मधु कामनी दूसरे से अलग है ये जो छोटे वाले मधु कामनी होते हैं दो टाइप के एक होते हैं बोटे पत्ते वाले एक छोटे पत्ते वाले ये छोटे पत्ते वाले इसको भी फूल आते हैं उसको फूल आते हैं लेकिन उसको ज़्यादा फूल आते हैं लोग उसको फूल के लिए लगाते हैं और इसको लोग सो पीस के लिए लगाते हैं और प्लस इसका बहुत ही जल्दी से बॉन्जाइ तैयार किया जा सकता है डेड्स वाई लोग इसको लगाते हैं यानी कि अगर आप बॉन्जाई बना लेते हो उसको फूल भी आ जाते हैं तो बॉन्जाई वाला फ्लावर वाला बॉन्जाई प्लांट का बात ही कुछ और है तो ये एक ऑप्शन आप रख सकते हो छोटे पत्ते वाले कहीं भी मधु काम नहीं मिल जाए तो डेफिनेटली ले लो उसको आप कोई भी पैटर्न में बदल सकते हो और ये बूसी प्लांट रहता है सबसे बड़ी बात मतलब बहुत ज़्यादा पत्ते इसको भरे रहते हैं देखो ना पूरा अभी भी देखो कितना भरा हुआ है एकदम भूसी प्लांट है डेट्स वाई इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और वो फूल वाले होते उसमें कम पत्ते रहते हैं एक और मेरे ऑप्शन में आता है ये प्लास्टिक का प्लांट प्लास्टिक का बोलो या कोई भी बोलो है तो ये फोन का ही वैरायटी लेकिन फ़ोन के लीव्स जो होते हैं सेंसेटिव होते हैं लेकिन इसके लीव्स पूरे हार्ड ही है हार्ड है पूरा एकदम टच करोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये ज़िंदा प्लांट है पूरा का पूरा प्लास्टिक का अगर आप ऑफिस में रख देते हो तो ये पूरा लगेगा कि प्लास्टिक का ही है लेकिन बेस्ट एयर फ्रेशर में आप जानते हो फोन के हर वैरायटी आता है तो आप एक इसको ऑप्शन में ले सकते हो हमारा नेक्स्ट ये पेप्रोमिया आता है पेप्रोमिया तो रबर प्लांट का ही वैरायटी होता है मीनेचर रबर आप बोलते हैं उसको पेप्रोमिया कटिंग से लगने वाला आसान प्लांट है बहुत अच्छा सेम सेड में ग्रो कर जाता है तो इसको आप ख़रीदो या कटिंग लगाओ वो आपकी मर्ज़ी है उसके बाद क्रैसूला जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही शुभ माना गया है तो इसको सबसे कम मेंटेनेंस का ये इसको प्लांट बोल सकते हो सकुलेंट का वैराइटी हो जाता है तो आप इसको जरूर लगा ले घर में हमने तो चार पांच प्लांट्स लाया है बालाजी से लाया था अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला प्राइसेस थोड़ा बढ़ गया अभी लेकिन हाँ प्लांट्स भी हेल्दी है प्लांट्स बूसी है पूरा अच्छा ये नहीं कि मरियलसा है ओके तो आज का ये कलेक्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड